बीकॉम सेकेंड ईयर के प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का इंडिया स्वैप्टी में। मैं हूँ आपका एसडीएम सर, जो आपको पढ़ा रहे हैं आज कॉरपोरेट अकाउंटिंग। कॉरपोरेट अकाउंटिंग का जो पहला ही चैप्टर है, पहला यूनिट है, उसके जितने भी टॉपिक्स है उस पर लाइन से वीडियो आते जा रहे हैं, जैसे कि अंशों का निर्गमन, अति अभिदान, अल्प अभिदान, अवशिष्ट याचना, अग्रिम याचना, फिर हरण, पूर्ण निर्गमन, ये सारे आपको लाइन से देते जा रहा हूँ। मैं एक प्लेलिस्ट बना दिया मैंने कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का, वहाँ पर आप जाके देखेंगे तो आपको 4 से 5, 6, 7 वीडियो स्टैटिक्स, एक कॉस्ट का अलग से कॉस्ट का स्टैटिक्स में, कॉर्पोरेट का कॉर्पोरेट में मिल जाएगा। तो सभी की लाइन से वीडियो बनते जा रही है। कई बच्चे को कमेंट आते रहता है कि सर स्टैटिक्स पढ़ाइए, कॉर्पोरेट पढ़ाइए, तो कई बच्चों को पता भी नहीं कि मैंने स्टार्ट कर दिया है ना। तो आप लोग को चैनल में आकर के प्लेलिस्ट में चेक करना है कॉर्पोरेट कॉस्ट और स्टैटिक्स है कि नहीं, तीनों के ना आईडी बन चुकी है प्लेलिस्ट में और वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं, ठीक है। उनका नाम तैयार हो चुका है। आज हम पढ़ने वाले हैं अंशों का अति अभिधान। अल्प अभिधान हमने इसे पहले के वीडियो में पढ़ लिया है, अग्रिम भी पढ़ लिया है और अशिष्ट याचना भी पढ़ ली है, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे अति अभिधान। अति अभिधान क्या होती है देखिए, जब कंपनी को आवश्यकता से अधिक अंशों के लिए आवेदन प्राप्त होता है तो उसे उस स्थिति को अति अभिधान कहते हैं। ये सब क्यों होता है देखो, बुक पे बुक है हमारे पास आज। जब ऐसी कंपनियां जिनकी बाजार में अच्छी साख एवं प्रतिष्ठा कायम है अपनी अंश पूंजी का निर्गमन करती है, तो वह जितने अंशों का निर्गमन करती है उससे अधिक अंशों के लिए आवेदन प्राप्त हो जाती है, तो ऐसी स्थिति को अति अभिधान कहते हैं। जो कंपनी जितना प्रसिद्ध होगा लोग उतने ज़्यादा उसके अंशों को खरीदने के लिए तैयार हो जाएंगे। जब आज लोगों को 2016 के बाद से अभी तक यूज़ करने पर लोगों को पता चल चुका है कि वो जियो जो सिम था आया था उस समय शुरू, लेकिन किस तरह से उसने मार्केट स्ट्रैटेजी अपनाई और आज किस लेवल पे है वो। आज हर कोई तैयार हो जाएगा जियो के एक शेयर को ख़रीदने के लिए, अगर वो अपने आप को फिर से अपडेट करती फ्यूचर के लिए। वो इसी तरह से सस्ते दामों पर 5G 6G ये सब लॉन्च करने वाली है अगर सिम कम से कम दामों पर, तो सोचो उसकी मार्केट वैल्यू कितनी हाई होने वाली है। तो उसी तरह से जो कंपनी अपनी प्रतिष्ठा को कायम रखी हुई है या अपने आप को बढ़िया अपडेट करते रहती है उनकी ख्याति और बढ़ती जाती है, तो उनके अंशों के लिए आवेदन हमेशा बढ़ते रहते हैं। अगर उन्होंने 1000 अंश निर्गमन किया तो शायद 10000 अंशों के लिए आवेदन प्राप्त हो जाए, ऐसी स्थिति होती है। तो इसी स्थिति को हम कहते हैं अति अभिधान, ठीक है। अब इसके लिए अति और अभिधान, सॉरी अल्प अभिधान और अति अभिधान में एक अंतर भी दिया हुआ है बुक में, आप उसको भी देख सकते हैं। हर 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 एक टॉपिक जब स्टार्ट हो गए एक करके तो उनके बीच में अंतर आपको दिया जाता है, जैसे मांग और अग्रिम याचना में अंतर। अब अति अभिधान देखेंगे तो अल्प और अति अभिधान दोनों में अंतर आएगा, ठीक है। देखो अति अभिधान की स्थिति क्या है, इसमें क्वेश्चन कैसे मिलेंगे। क्वेश्चन कुछ इस तरह से होंगे कि एक्स लिमिटेड की अधिकृत पूंजी 2 लाख ही है, 10 रुपये वाले 20,000 अंशों को विभक्त करती है, कंपनी ने 10,000 अंश जनता में निर्गमित किए, निम्न अनुसार आवेदन पर 3 रुपये, आमबटन पर 2 रुपये, 3, 2, 5 हुआ, तो 5 रुपये जो बचा वो याचना पर है। तो कुल 20,000 अंशों को निर्गमन किया गया जिनकी कीमत 10 रुपये थी, आवेदन उसमें से 3 रुपये का था, आमबटन 2 रुपये का और याचनाएं 5 रुपये की, टोटल 10 रुपये इस तरह से डिवाइडेड है। आगे हमें पता चला कि 10,000 का निर्गमन किया गया लेकिन जनता से कितने के लिए आवेदन प्राप्त हुए, जनता से 12,000 अंशों के लिए आवेदन प्राप्त हुए, 2,000 एक्स्ट्रा प्राप्त हुआ तो संचालकों ने 2,000 अंशों के आवेदन अस्वीकृत कर दिए और उन्हें लौटा दिया। जितना निर्गमन किए बस उतने को ही रखना चाहते हैं, एक्स्ट्रा को नहीं, इसलिए उन्होंने 2,000 अंशों के आवेदन को अस्वीकृत करके लौटा दिया। आवश्यक जनरल प्रविष्टि कीजिए और सब राशि समय पर प्राप्त हो गई, आप प्रविष्टि करके बताइए, ठीक है। देखिए सबसे पहले जब आवेदन अतिरिक्त मिलती है तो पहले ही प्रविष्टि बैंक खाता विकलन आवेदन से मैं आपको टोटल अमाउंट बताना है। चूंकि निर्गमन किया गया था 10,000 अंशों को 10 रुपये के हिसाब से, ठीक है, 10,000 अंशों को 10 रुपये के हिसाब से, सॉरी हाँ 10,000 को, तो 1 लाख मिलना चाहिए, लेकिन 12,000 अंशों के आवेदन प्राप्त हुआ है, तो अगर आप 12 को गुणा करते हैं 12,000 को 10 से, तो वो हो जाएगा 1,20,000। कितना हो जाएगा 1,20,000, है ना। तो आवेदन कितने के प्राप्त हुए भी देखो, है ना, तो आवेदन का रुपये है 3, कितने रुपये का आवेदन, 3 रुपये का, तो 12 या 36,000 अंशों के लिए आवेदन प्राप्त हुआ है। तो आप देखेंगे बैंक खाता विकलन 36,000 रुपये, अंश आवेदन खाता से 36,000 रुपये। इंग्लिश में लिखेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट 36,000 टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 36,000। यहाँ पर समतंश आवेदन अंश का नाम लिखा रहेगा तो समतंश आवेदन खाता से, ऐसे आपको बोलना है, ठीक है। तो
तो आप देख सकते हैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में प्रविष्टि दी गई है ताकि दोनों प्रकार के बच्चे देख सके, समझ सके और अपना अपना नोट कर सके। अगला है इनका कारण कि 12,000 सेंटेंसों के लिए आवेदन प्राप्त हुए, ये आप कारण में बता सकते हैं, बिंग अमाउंट रिसीव ऑन एप्लीकेशन फॉर 12,000 शेयर्स। ठीक, जब भी आवेदन आता है तो कितने का आया, कितने अंशों का आया, उसका टोटल मल्टीप्लाई करके जो आएगा वो लिखना है आवेदन के हिसाब से गुणा करके। ठीक है, तो 12,000 अंशों का आवेदन मिला है, आवेदन 3 रुपये का है, तो 12 तिया 36,000 रुपये निकला, तो इसलिए 36,000 रुपये लिख दिया गया। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद आपको आवेदन को विकलन करना होता है, तो इसमें उतनी राशि लिखेंगे जितने को स्वीकृत किया गया, तो 12,000 में से 2,000 को लौटा दिया गया, इसका मतलब है कि वही 10,000 अंशों को स्वीकृत किया गया है, तो 3 रुपये के हिसाब से 10,000 को गुणा करेंगे तो 30,000 आएगा, इसलिए आवेदन विकलन 30,000 रुपये, अंश पूंजी खाता से 30,000 रुपये, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 30,000 और शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 30,000। ठीक है, ये याद रखना है कि जितने अतिरिक्त थे उनको लौटा दिया गया, तो अतिरिक्त कितने थे, तो 2,000 अंश अधिक थे, 3 रुपये के हिसाब से उसको लौटाएंगे तो 3 दूनी 6,000 रुपये लौटा दिया गया, 36 में 6 गया 30,000 ही बचा, तो आवेदन विकलन 30,000 से और पूंजी अंश पूंजी खाता से 30,000 रुपये। ठीक, अब जितने अस्वीकृत किए गए हैं उनकी अलग से एक प्रविष्टि में बतानी पड़ती है, तो वो तीसरा प्रविष्टि उसी का है 6,000 का। तो चूंकि आवेदन के माध्यम से आया था, तो आवेदन के बैंक में आया था और बैंक के माध्यम से उसको आवेदन में वापस कर देंगे, तो आवेदन विकलन हो जाएगा बैंक खाते से, क्योंकि जो पैसा बैंक में आया था वो बैंक से ही रिटर्न चला जाएगा, तो आया था तो बैंक विकलन, लेकिन जब जाएगा तो बैंक खाता से बोल देना है, तो आवेदन विकलन बैंक खाते से, कारण में बता देना 2,000 अंशों को अस्वीकृत करके लौटाया गया। ठीक है, बस हो गया, इतना जान गए तो फिर कोई दिक्कत नहीं, सीख रहे हैं आप लोग। तो पहले एंट्री में फुल अमाउंट दिखाया जितना आवेदन आया, दूसरे में हमने बताया कि उसको कट करके कितने को हमने रिसीव किया, उसके बाद जो अतिरिक्त है उसको हमने लौटा दिया, तो जब भी अत्य विधान के क्वेश्चन आपको मिलेंगे उसमें ये तीन प्रविष्टि कॉमन होंगे कि कितना आया, कितना स्वीकृत किया गया, कितने को अस्वीकृत कर दिया गया, और यहाँ पर बता देना इतने अंशों को लौटा दिया गया बोल के। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा हुआ केवल आवेदन का। अब आम बटन कितने रुपए का था, 2 रुपए का, तो अंश आवेदन खाता विकलन 20,000 रुपये, 10,000 दुनी 20,000 रुपये, क्योंकि प्रत्येक अब 10,000 को स्वीकृत किया गया, तो सबका गुणा कैसे होगा, 10,000 अंशों से होगा, तो 10 दुनी 20,000 रुपये। ठीक है, अंश पूंजी खाता से 20,000 रुपये। आगे आम्बटन विकलन होता है अंश पूंजी से, तो सेकेंड एंट्री होती है बैंक खाता विकलन अंश आम्बटन खाता से 20,000 रुपये। उसके बाद क्या किया गया, देखो याचनाओं को विकलन किया गया है, तो अंश याचना खाता विकलन 50,000 रुपये, अंश प्रथम याचना से 5 रुपये का था, तो 10 पंच से 50,000 आएगा, फिर बैंक खाता विकलन अंश याचना खाता से। ठीक, बस इसी तरह की प्रविष्टि होती है, फिर इसका खेल खत्म हो जाता है। अब ये था कक्षा 12वीं का बुक। ठीक, अब हम देखते हैं आपके फर्स्ट ईयर में कैसा दिया, सेकेंड ईयर में कैसा दिया है। देखो सेकेंड ईयर का क्वेश्चन देखो, कॉलेज लेवल का, इसमें उदाहरण 9 में बताया है, जावेद कंपनी लिमिटेड ने 100 रुपये प्रति अंश वाले 15,000 समतल निर्गमित किए, जो कि 30 रुपये, देखो टोटल 100 रुपये का है, उसमें 10 रुपये का था, इसमें 30 रुपये का है, सॉरी 100 रुपये का है, उसमें था जिसमें 100, तो उसमें से 30 रुपये का आवेदन है, 30 रुपये का अम्बटन है, 20 रुपये का प्रथम मांग है, 20 रुपये का अंतिम मांग है, तो 20 20 40 और 8 9 60 मिला के 100 हो रहे हैं, तो टोटल 100 हो रहे हैं, जो 100 रुपये इस तरह से डिवाइडेड है, प्रत्येक अंश 15,000 से गुणा करेंगे और अपने अमाउंट निकालेंगे, तो उसके लिए आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। चलिए मैं यहाँ पर गुणा करके आपको बताता हूँ ताकि आपको स्पष्टीकरण रहे, पता रहे कि क्या कैसे हो रहा है। ठीक है, देखो बच्चे 15,000 अंशों को निर्गमन कर रहे हैं, किसी का मूल्य 30 है, किसी का मूल्य 20 है, 30 शून्य 0 30 शून्य 0 30 शून्य 0 30 शून्य 0, 30 पंचे 150 होता है, 150 की 0 हासिल है 15, 30 कम 30 और 15 45 होता है, 30 शून्य 0 30 शून्य 0 30 शून्य 0, 15 30 पंचे 150 की 0 हासिल है 15, फिर 30 कम 30 और 45 है ना, 1 0 एक्स्ट्रा हो गया, ठीक 45,000 रुपये इतना ही हो रहे हैं। ठीक, चलो अब इसी तरह से अगर आप 20 का गुणा करते हैं इसमें 15,000 अंशों में, 20 शून्य 0 20 शून्य 0 20 शून्य 0 20 पंचे 100 10 हासिल आया, 20 एकम 20 और 1 30,
इसका कितना हुआ, 3 लाख हुआ, ये 4 लाख, 50 हज़ार हुआ, ये 3 लाख हुआ, ठीक। इस तरह से अमाउंट आपको यहाँ पर निकालना है। चलो आगे भी बहुत कुछ पढ़ना होता है, क्वेश्चन में क्या बोला है, 20,000 अंशों के लिए आवेदन प्राप्त हुआ, 15,000 को निर्गमन किया गया था, 57 अंशों को, पर 20,000 अंशों के लिए आवेदन प्राप्त हुआ, कंपनी के संचालकों ने 5,000 आवेदन को स्वीकृत कर दिया, इन अंशों के आवेदन को राशि वापस कर दी गई, सभी राशि तय समय प्राप्त हो गई। तो देखो, हमने निर्गमन किया था 15,000 अंशों को, लेकिन हमें आवेदन मिला है 20,000 अंशों के हिसाब से, और आवेदन का रुपये है 30, तो 30 दूनी तो ये 60 सीधा, आए 4 जीरो को उतार दो तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 6 लाख रुपए मिला। बाद में इसमें से 5,000 अंशों को लौटा दिया गया, तो देखो 5,000 अंशों को लौटाएंगे जो कि 30 रुपये के हिसाब से आते, 30 पंचे 150 होता है, 3 जीरो को उतार दो तो 1,50,000 का रिटर्न कर दिया गया, ठीक। अब देखो, सबसे पहले लिखा है बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, मतलब अंश बैंक खाता विकलन समतन आवेदन खाते से 6,6 लाख रुपए। तो हमने आपको यहाँ पर अमाउंट करके दिखाया था कि 20,000 अंश के लिए 30 रुपये के हिसाब से मिलेगा तो 6 लाख मिलेगा, इसलिए यहाँ पर 6 लाख रुपए लिखा है। लेकिन जब स्वीकृत करेंगे तो उसमें से 5,000 को लौटा दिया गया, तो 5,000 का गुणा हमने 30 से किया तो अब 1,50,000 वापस चला गया, तो 6 लाख में 1,50,000 चले गया तो 4,50,000 आएगा। तो समतन आवेदन खाता विकलन 4,50,000 रुपये, समतंस पूंजी खाते से 4,50,000 रुपये, ठीक है। तो इंग्लिश मीडियम के बच्चे प्रॉपर देख सकते हो, इंग्लिश में बना बुनाया है, तो प्रविष्टि आप देख सकते हैं कैसा हो रहा है, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। इसके बाद जब रिटर्न करते हैं तो अंश आवेदन को विकलन करते हैं बैंक खाता से, तो समतंस आवेदन खाता विकलन 1,50,000 रुपये, बैंक खाता से 1,50,000। इसलिए मैंने पहले राशि बता दी कैसे कैसे क्या निकल रहा है, ताकि आप केवल यहाँ पर उसको कॉपी पेस्ट करें, है ना। 1,50,000 कैसे आया, 5,000 को वापस किया गया, 30 रुपये के हिसाब से 1,50,000 वो आया, ठीक। क्लियर है तीनों अमाउंट, तो वो तीन प्रविष्टि हर प्रश्न में होगा बोला था, अभी मैंने आपको 12वीं से समझाया था, वही फर्स्ट ईयर में भी हुआ है। इसके बाद अब मटन की नॉर्मल एंट्री होगी, 30 और 15,000 अंशों को स्वीकृत किया गया तो 45,000 15 दिया, तो समतांश आमटन खाता विकलन समतांश पूंजी खाता से 4,50,000 रुपये, बैंक खाता विकलन समतांश आमटन खाता से 4,50,000 रुपये, ठीक। इसके बाद क्या किया गया है, थोड़ा और जूम कर दूं क्या, देखो इसके बाद किसका होता है प्रथम याचना का, प्रथम याचना 20 रुपये का है, 20 रुपये का 15 से गुणा करेंगे तो 15 दूनी 30 होता है, 3 लाख रुपये आएगा। तो समतंस प्रथम याचना खाता विकलन 3 लाख रुपये, समतंस पूंजी खाता से 3 लाख रुपये, फिर बैंक खाता विकलन समतंस प्रथम याचना से 3 लाख रुपये। तो डबल डबल प्रविष्टि होती है सभी की, और ये मैंने आपको टॉप टॉप वन वीडियो जो बनाया था इसका, उसमें पूरा बताया था, तो इसलिए वो वीडियो आपके लिए देखना जरूरी है अगर आप नए हो तो। अगला है 20 रुपये का अंतिम याचना, तो अंश समतंस अंतिम याचना खाता विकलन समतंस पूंजी खाता से, फिर बैंक खाता विकलन समतंस अंतिम याचना से 3 लाख रुपए। इसमें और कुछ भी एक्स्ट्रा काम नहीं होता है, बस शुरू में आपको दिखाना होता है कि जितना अतिरिक्त आया उसको टोटल बताओ, कि 20,000 अंशों के हिसाब से 30 रुपये के हिसाब से 20,000 अंशों के लिए आवेदन प्राप्त हुआ, इसमें से 15,000 अंशों को 30 रुपये के हिसाब से स्वीकृत किया गया और 5,000 अंशों को अस्वीकृत कर दिया गया। उसके बाद बाकी का नॉर्मल होता है, उनके रुपए और उनके अंशों का गुणा करके नॉर्मल प्रविष्टि करनी होती है, और हर प्रश्न में यही प्रविष्टि होगी, अमाउंट बस बदलता है, ठीक। तो जो बच्चे 12वीं में इसको अच्छे से पढ़े हैं उनको पता है। तो अति अभिधान के ऐसे भी क्रियात्मक क्वेश्चन बहुत सारे आपको मिलेंगे पीछे अगर आप आते हैं तो आपको उन क्वेश्चनों को बना बना करके देखना है, ठीक है। अगर मैं एग्जाम्पल समझा रहा हूँ तो यह आपका कर्तव्य है, आपके पास बुक है तो आपको आगे का क्वेश्चन बना बना करके देखना है, ठीक है। चलो तो ये अति अभिधान आपका हेडिंग दिखा आपको, अति अभिधान, इसमें से 1 लाख की पूंजी थी, 10 रुपये वाले 10,000 अंश में विभक्त थी, पांच उसमें से 5,000 अंशों को निर्गमित किया गया, 2 रुपये आवेदन, 2 रुपये अम्बटन प्रथम याचना और 3 रुपये का, ये दोनों पर याचनाएं थी। कंपनी ने 7,000 अंशों के लिए आवेदन प्राप्त किए, देखो 5,000 को निर्गमित किया गया था लेकिन 7,000 अंशों के लिए आवेदन प्राप्त हुआ है और 2,000 अंशों को अस्वीकृत करके लौटा दिया गया है। तो ये कोई बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है, आपने दो उदाहरण देखा तो इसको आप बना ही लेंगे, तो इसलिए मैं उदाहरण से समझा रहा हूँ ताकि आप क्वेश्चन खुद बना पाएं, और जब आप खुद बनाएंगे तो आपको कॉन्फिडेंस लेवल जो रहेगा वो टॉप लेवल का रहेगा, इसलिए इसको बनाइए और मुझे इंस्टाग्राम में फोटो खींच के भेजिए, मैं चेक करके बता दूंगा सही है कि गलत, ठीक है। तो दो क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन को बनाना, दो उदाहरण भी दिया हुआ है,
उनको देख करके आप इसको बना सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बिकले बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और भी वीडियो आते रहेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, समझ आ गया तो वीडियो को लाइक कर देना। बाय बाय बच्चों, लाइक कर दो।